दसवीं के सभी विद्यार्थियों, लो जी आज जो आपका पेपर है उस पेपर का अपन पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इस पेपर को यदि आप देख के जाओगे तो 100% श्योर है आपको 60 से 70 नंबर मिल जाएंगे। और 404 का जो एचसीएफ है वो क्या होगा? 96 और 404 का जब एचसीएफ आप बच्चों निकालोगे ना तो उसका एचसीएफ निकलेगा आपका 4। वो कैसे निकलेगा? जैसे ही आप 96 को लिखोगे इस तरीके से और 2 से सोल्व करोगे ना, तो इस तरीके से अपन जब कॉमन निकालते हैं ना इनमें से एचसीएफ को, तो वो एचसीएफ आपका निकलेगा बेटा 4। ठीक है, वो सोल्व कर सकते हैं अपन, ठीक है, आराम से। इसी तरीके से 404 का भी जाएगा। एक्स की घात 2 है और -3 है, इसके शून्य क्या होंगे? देखो शून्य के लिए क्या होता है, बराबर के उधर 0 लगाते हैं। अब जैसे इसके बराबर के उधर 0 लगाओगे आप, तो ये आपका सोल्व होगा, ये एक्स स्क्वायर -3 इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये घात 2 हटाओगे तो उधर क्या लगेगी बच्चों? करनी। और शून्य जब ज्ञात करेंगे तो ये आपका प्लस और माइनस के रूप में बाहर निकलेगा, तो √3, तो ये शून्य हो गए इसके। तो यहाँ पर एक बार प्लस वाला, एक बार माइनस वाला आंसर ठीक रहे। अगला देखते हैं, यदि a1 by a2 इज इक्वल है b1 by b2, एज इक्वल है c1 by c2, तो रेखीय समीकरणों के युग्म का हल होगा। ध्यान दीजिएगा बच्चों, है ना, तीनों में से तो 100% ही आएगा। जब स्थिति ऐसी हो कि a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू है b1 by b2, तो आपका जो हल होगा ना वो होगा एकाधित्य हल। यदि कंडीशन ऐसी आए, ध्यान देना, तीन कंडीशन है केवल, एक ये हो गई a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2, तो हल होगा बेटा एकाधित्य हल। यदि इधर की बात करें अपन, तो यहां पर अपन लिखेंगे a1 by a2 इज इक्वल है b1 by b2 इज नॉट इक्वल टू c1 by c2, तो ऐसी जब कंडीशन रहेगी तो कोई भी हल नहीं होगा। लेकिन जो आपकी ये जो कंडीशन दी हुई है ना, ये सारी चीजें बराबर, तो बराबर वाली कंडीशन के लिए आपका रहेगा अनंता अनेक हल। कौन सा रहेगा? अनंता अनेक हल। तो ये 7 नंबर का पूरा ये सॉल्व कर लेंगे। समीकरण x² + x - 1 में मूलों की प्रकृति होगी। अच्छा, मूल किसकी प्रकृति कैसे निकालते हैं, तो उसको देखते हैं अपन। b² - 4ac = 0। बोलो b² यानी b का मान कितना है? यहाँ पर a का मान है 1, b का मान भी 1 है, c का मान है -1। तो 1 की घात 2 -4 गुणित a यानी कि, हाँ बोलो, 1 गुणित c यानी -1 = 0। अब देखो 1 करना 1 और ये 4 करना कितना हो जाएगा? 4। तो 4 ने कितना किया? 5 = 0। यानी यहाँ पर जो है प्लस वाला चीज यही गिनती, जब प्लस में आए तो मूल जो है होंगे बच्चों वो वास्तविक होंगे। मूल कैसे होंगे? वास्तविक होंगे, और भिन्न भिन्न हो सकते, कोई से भी हो सकते हैं। AP 10 7 4 का 30वां पद कौन सा है? यहाँ पर देखिए 30वां पद बोल रहा बेटा, है ना, मिस्टेक है, ये मिसप्रिंट है, ठीक है। तो 30वां पद, और 30वें पद के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? A13 यहाँ पर सॉल्व करते हैं अपन। इक्वल A+29D। तो A का मान कितना है? A का मान तो क्या? 10 + 29 × D। D का जो मान है वो 7 में से 10 जाएगा, तो माइनस का 3 घटेगा, 3 बचेगा मतलब। और 29 दिया होता है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं 87, तो 10 - 87 उत्तर आएगा -77, और जो कि यहाँ पर आंसर एकदम राइट आएगा। दो समरूप त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तो त्रिभुजों के क्षेत्रफल होंगे। देखो अनुपात 9 है तो 4 चौक हो गया 16 और 9×9 = 81, क्षेत्रफल में घात 2 कर देते हैं। तो ट्रिक यही है कि यहाँ पर दिया है आपका कितना, 4×16 और 9×9 = 81, तो यह आ जाएगा आपका आंसर। चलिए अब रिक्त स्थान देखते हैं।
करनी दो जो है वो आपकी संख्या है परी में है आपरी में है, तो जो भी संख्या है अंडरवुड यानी करनी से बाहर नहीं निकल पाती है वो आपकी होगी परी में, सॉरी आपरी में, जो नहीं निकल पाएगी वो जो निकल जाए उसको कह देना बेटा परी में। तो ये दो जो है ना ये निकल नहीं पाएगी, यदि चार रहता तो दो के रूप में निकल जाता, नौ होता करनी में तो तीन के रूप में निकल जाता, तो ये नहीं निकल पाएगी इसलिए ये आपकी बनेगी आ परी में। दो बहुपदों का गुणनफल, देखो यदि बहुपदों को जोड़ोगे ना तो भी बहुपद प्राप्त होगा, गुणनफल करोगे ना तो भी गुणनफल ही प्राप्त हो, तो यहां पर अपन लिखेंगे बहुपद ही होता है। समीकरण 2x plus 3y is equal to 5, 2x plus 3y is equal to 5, यदि x equal है 1y, तो भैया x का जो मान है वो कितना है एक है, ध्यान देना है x का मान कितना है एक है, तो y का मान ज्ञात करना है, तो जैसे ही इस सॉल्व करोगे इसे तो ये बनेगा 2 गुणित और x की जगह पे कितना जाएगा 1 प्लस 3y बराबरी पे 5, और सब जानते हैं दो एक अन्ना दो, दो उधर जाएगा तीन बचेगा, ठीक है दो एक अन्ना दो दो सॉरी दो एक अन्ना दो, दो उधर गया तो पांच में से दो घट गया तीन बचा, और तीन के बटे में फिर तीन चला जाएगा ये, तो उत्तर निकल कर जाएगा आपका एक। द्विघात समीकरण के से मूल ज्ञात करने का सूत्र प्राचीन भारतीय गणितज्ञ डेडेडेस ने दिया था, तो वो श्री धराचार्य जी ने दिया था। श्री धराचार्य जी वर्ग समीकरण x माइनस वन और x प्लस वन के मूल मूल क्या होंगे, देखो दोनों के उधर बराबर के उधर जीरो कर देंगे तो x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, उधर जाके ये प्लस का वन हो गया कोमा, और ये प्लस वाला काय का हो जाएगा माइनस का, तो दो मूल प्राप्त हुए, एक तो प्लस का एक और एक जो माइनस वाला वो प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। समांतर श्रेणी में कोई दो लगातार पदों का अंतर, कोई दो लगातार पदों का जो अंतर है वो आपका सार्व अंतर कहलाता है। अब क्वेश्चन नंबर जो 3 है ना वो है सही जोड़ी, देखिए अब जोड़ी को देखते हैं ध्यान से। रेखिक बहुपद ये सॉरी त्रिघात बहुपद है, त्रिघात का मतलब तीन घात वाला, ये आपका एकदम राइट रहेगा, तीन घात जिसमें घात तीन दिखे वो त्रिघात। रेखिक बहुपद किसे कहेंगे जिसकी घात एक हो, तो ये ax plus by ये आपका रेखिक बहुपद हो गया। द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस वन के मूल मूल होंगे, देखिए ध्यान से उधर जाएगा तो ये एक हो जाएगा प्लस का, और घात दो को अपन जैसे देखिए कैसे रहता है ये x स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल वन। अब जैसे अपन इसको x रखेंगे और इधर करनी चढ़ाएंगे एक, तो ये प्लस माइनस के रूप में बाहर निकलेगा, तो आंसर निकल कर आएगा आपका प्लस का एक और माइनस का एक, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ये आंसर आपका एकदम राइट बैठा है यहाँ पर इसे वाला। द्विघात समीकरण x और कोमा है x माइनस तीन के मूल ज्ञात कीजिए, बहुत ही सिंपल, एक बार अपन लिख देंगे इस x के बराबर जीरो तो जीरो आ जाएगा, और एक बार लिख देंगे x माइनस तीन बराबर जीरो, मतलब इस x के भी बराबर जीरो लिख दो और इसके भी बराबर जीरो लिख दो, तो अपना आंसर जाएगा एक बार देखो माइनस का तीन तो उधर जाके प्लस। समांतर श्रेणी का एनवा पद है, त्रिभुज समरूप होते हैं, त्रिभुज समरूप होते हैं कौन से समबाहु त्रिभुज, और अंत में ये एनवा पद है जिसका फॉर्मूला ये यहाँ पर है, एक बटा करने दो एक परिमेय संख्या है तो ये आपका असत्य हो जाएगा। शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित होती है तो ये हो जाएगा सत्य। दो चरणों में रेखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं, दो चरणों में एक रेखिक समीकरण के अनेक हल होते नहीं, असत्य बात है क्योंकि दो चरणों में केवल दो हल होंगे।
ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो का द्विघात समीकरण नहीं, रेखीय समीकरण है बाबू। कौन सा समीकरण है ये? रेखीय, जिसकी घात एक होती है उसका हम रेखीय समीकरण कहते हैं। जब वर्ग समीकरण के दोनों मूल समान हो तो विवेक्तकर डी बराबरी पे जीरो होता है, बिल्कुल सत्य बात है। और यहाँ पर इस एक समांतर श्रेणी है क्या? नहीं, समांतर श्रेणी होती तो ये भी माइनस कर रहता, ठीक है। तो ये आपकी एक समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है, ध्यान देना है। और ये भी माइनस कर रहता, सभी एक साथ रहता मतलब, तो ये आपका नहीं, ये मतलब सत्य है। और क्या हो गया? अब यहां से देखिए, एक वाक्य में उत्तर है संख्या 156 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। तो 2 की घात 3 × 3 × 13, इसको आप निशान नहीं लगाओगे तो इतनी निकलेगा। रेखिक बहुपद की घात कितनी होती है? देखिए, रेखिक बहुपद होता है उसे कहते हैं, चाहे रेखिक समीकरण हो या रेखिक बहुपद हो, सब दोनों की घात कितनी होती है? एक ही होती है। 2 संतरे और 5 सेबों का मूल्य 70 रुपये, 2 संतरे और 5 सेबों का मूल्य 70 रुपये। तो 2 सेब आ जाएगा 2x प्लस 5 सेब है तो 5y और बराबरी पे 70 रुपये अपने को देना। ये समीकरण नंबर बन गया। द्विघात समीकरण का मानक रूप, द्विघात समीकरण किसे कहते हैं मालूम है आपको? जो घात 2 रहता है, इसका मानक रूप या व्यापक रूप भी कहते हैं इसे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। वर्ग समीकरण x स्क्वायर प्लस cx और b इक्वल टू जीरो में मूलों का योगफल क्या होगा? तो देखो, मूलों का जो योगफल होता है ना, वो कहलाता है आपका बी बट माइनस का बी बटा है। तो मूलों का योगफल रहता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस का बी बटा है। और इसका दसवा पद निकालना है एपी का, तो दसवा पद का मतलब होता है ए टेन, क्या होता है ए टेन इज इक्वल ए प्लस 9 डी। ए का मान बताओ मेरा बाबू, 2 प्लस 9 × बी का मान 7 में से 2 घटाओ तो 5, तो 5 × 5 = 45, तो 2 + 45 यानी उत्तर आ गया आपका 47। तो यहाँ पर 47 आंसर रहेगा। इतनी चीजें हो गई है। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 6 से देख सकते हैं आप, एचसीएफ निकालना है 306 और 657 का, सिद्ध करना है आपको, करनी दो एक आपकी परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय, यहाँ पर मेरी स्टूडेंट है, अपरिमेय आएगा, है ना, परिमेय नहीं है ये, अपरिमेय है। यहाँ पर भी अपरिमेय ये बताना है आपको, शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों का योग और गुणनफल ज्ञात करना है, सत्यता की आपको जांच करनी है। 3 बल्लों और 6 गेंदों की कीमत जो है 39,000 रुपये है, तो 1 बल्ले की गेंदों की कीमत 1,300 रुपये, जैसा गणितीय समीकरण का निर्माण करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है, ये थोड़ा स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ये 11 हो गया है, 12, 13, 14, 15, 16 हो गया इतना, ठीक है। इसके बाद में आपको ये यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 17, ये 18 रहेगा आपका, 19 और ये 20, 21, 22 और ये 23, टोटल 23 प्रश्न है यहाँ पर। और इससे पहले मैंने एक पेपर और बताया है आपको, नहीं देखा तो जो